हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल कंप्यूटर बाबा में स्वागत है। दिन के कितने बज चुके हैं मेरे दोस्त? दिन के बज चुके हैं 10। और ये समय क्या है? ये समय बाबा जी का दरबार लग जाता है, जहां पे आप लोग क्या सीखते हो? धमाकेदार शॉर्ट ट्रिक सीखते चले आ रहे हो। आज की मेरे दोस्त एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक है कि आप अपने दोस्त को प्रैंक कर सकते हो, उसको बेवकूफ बना सकते हो, उसको डरा सकते हो। मेरे दोस्त, आज की जो शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ वो बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे फोल्डर है, जैसे हमने किसी भी फोल्डर पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ओपन हो जा रहा है। क्या हो रहा है मेरे दोस्त? ओपन हो जा रहा है। जैसे इपिक पेन पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अभी हमारा पेन ओपन होके आ जाएगा। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोग डेस्कटॉप पे पेन के लिए कर सकते हैं मेरे दोस्त। थोड़ा सा वेट कर रहा है तो वेट करेंगे, सिस्टम में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। जैसे ये देख लिया ओपन हो गया, इसको हमने क्या किया, यहां से क्लोज कर दिया मेरे दोस्त। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा मेरे दोस्त? वो क्लिक ही नहीं होगा। क्या होगा? वो क्लिक ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त? अपने लैपटॉप का स्क्रीनशॉट ले लोगे। अपने लैपटॉप का क्या ले लोगे? स्क्रीनशॉट ले लोगे। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने बताया था कि आपके लैपटॉप में प्रिंट स्क्रीन बटन होता है, ना है तो एक बार और देख लीजिए। हमने क्या किया, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ले लिया, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, बट उसको आप अपने लैपटॉप पे करोगे। ये आपको दिख रहा है प्रिंट स्क्रीन। इसी तरीके से आपके कीबोर्ड पे भी ऐसे प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होगा जिस पे आप क्लिक करोगे मेरे दोस्त, उस पे क्या होगा मेरे दोस्त, वो स्क्रीन प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पे प्रिंट स्क्रीन पे क्लिक कर दिया और हमने क्या किया, विंडो की के साथ आर दबाया और यहां पे हमने क्या किया, एमएस पेंट को ओपन कर लिया। यहां से नहीं करना है तो आप यहां से कर सकते हो मेरे दोस्त। एमएस पेंट को ओपन किया और यहां पे उसको क्या किया, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर लिया, या तो आप पेस्ट पे क्लिक कर लिया। अब आप देख रहे हो मेरे दोस्त यहां पे क्या हो गया, वो पेस्ट हो गया। सेम टू सेम क्या हो गया, पेस्ट हो गया। अब इसको क्या करोगे, फाइल पे जाओगे और सेव एज कर लोगे। सेव एज करने के बाद इसको डेस्कटॉप पे हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे ही इसको सेव कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। इसका कोई भी नाम लिख देते हैं, तो कंप्यूटर बाबा इसका नाम लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, कंप्यूटर बाबा, और इसको ओके कर लिया। यहां से इसको कैंसिल कर दिया मेरे दोस्त। ठीक है, इतना क्लियर, इतना क्लियर मेरे दोस्त, इतना क्लियर हो गया आपको। एक बार इसको ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। इसको एक बार क्या कर रहे हैं हम लोग, ओपन होके देख लेते हैं कि कैसा हमको ये शो के आएगा। चलो भैया जल्दी से आ जाओ, लोग यहाँ भागने लगते हैं, जल्दी से यहाँ पे शो हो जाइए। चलिए बस आ गया। यहाँ पे क्या हो गया है, बहुत ही इधर वाइट आ रहा है, ये फुल पेज पे नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक कर लेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ पे जाके एमएस पेंट पे क्या कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे छोटा कर लेंगे और इसकी जो स्क्रीन है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे फिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे मेरे दोस्त, फिट कर लेंगे। और इसको 100% पे करने के बाद, 100% करने के बाद कंट्रोल एस के साथ सेव कर देंगे। सेव कर दिया, अब आप देख रहे हो ये इमेज आ गई। फिर इस इमेज को क्या करोगे, आप डबल क्लिक करोगे। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद अब ये आपकी क्या हो गई, स्क्रीन आ गई। अब स्क्रीन को क्या करेंगे हम लोग, वॉलपेपर की तरीके से, बैकग्राउंड की तरीके से यूज कर लेंगे। तो इस पे राइट क्लिक किया और सेट एज पे गए, इसको हमने क्या किया, बैकग्राउंड पे सेट कर लिया। ठीक है, बैकग्राउंड पे सेट कर लिया। अभी आप देख रहे हो ये हमारी क्या हो गई है मेरे दोस्त, बैकग्राउंड पे सेट हो गई है। अब हमारा क्या है, एक एनी टेक्स्ट ये है, एक एनी टेक्स्ट ये हो गया, एक इपिक पेन ये हो गया, एक इपिक पेन ये हो गया। बट आपको ऐसा नहीं करना है, उसको ऐसे दिखा दोगे तो वो समझ जाएगा मेरे दोस्त। तो आपको क्या करना है, क्या करना है मेरे दोस्त, आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज पे जाओगे। इसके इस पे जाने के बाद आप थीम पे जाओगे। थीम पे जाने के बाद डेस्कटॉप आइकन सेटिंग पे जाओगे। यहां से आप इसको हाइड कर सकते हो,
जिस पे आप क्लिक हटा दोगे वो हाइड हो जाएगा। यहां से आपको नहीं करना है तो एक और शॉर्ट तरीका है, क्या है, आप यहां पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद व्यू में जाओगे, व्यू के बाद जाने के बाद शो डेस्कटॉप आइकन पे क्या करोगे, क्लिक हटा दोगे। अब मेरे दोस्त इस पे क्लिक कर रहे हैं, अरे ये तो ओपन ही नहीं हो रहा, अरे ये तो ओपन ही नहीं हो रहा है, वो क्या करेगा, परेशान हो जाएगा कि मेरे सिस्टम में ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है। तो आप इस तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो, जहां पे अपने दोस्त को क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, बेवकूफ बना सकते हो। क्या कर सकते हो मेरे दोस्त, अपने दोस्त को क्या कर सकते हो, बेवकूफ बना सकते हो। कहीं ये आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा दे, जहां से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरे दोस्त। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल क्या है, @computer_baba, वहां पे हम लोग की 2.7 के फैमिली है, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए, आप वहां पे PDF नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर सब मिलता रहेगा मेरे दोस्त। अब हम लोग कितने बजे मिलेंगे, 12 बजे मिलेंगे, जहां पे हम लोग की ट्रिपल सी की बेसिक क्लास चल रही है, और रात में हम लोग 10 बजे मिलेंगे, जहां पे हमारा प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है। थैंक यू, बाय बाय, 12 बजे मिलते हैं, बाय बाय।